हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड संगीता और आज आपका स्वागत कर रही हूँ अपने इम्यूनिटी गार्डन में प्यारे प्यारे पिटूनिया के फूलों से। जी हाँ, आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब इनकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कैसे कुदरत ने अपने आप ही कितने अलग अलग तरह के कलर्स और वो भी शेड दे के। और आप देखिए इस वाले फूल को कितना प्यारा लग रहा है। साइड में किनारे पे इसकी वाइट कलर की शेडिंग है, इस वाले पर्पल में अलग तरह की और इस पिंक में अलग तरह की, और इसमें और बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो अब ये तो हो नहीं सकता है कि हम हमारा गार्डन बनाएं और उसमें पिटूनिया ना रखें। सर्दी का मौसम जैसे ही आता है, पिटूनिया तो सर्दी की रानी है, तो इसे तो लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये 3-4 पौधे लेके आई थी, बाकी मैंने पौध तैयार कर रखी है पिछली बार के उससे बीजों से, तो काफ़ी सारी वो हो जाएगी। जब भी आपको अपडेट दूंगी ज़रूर, पर ये मुझे इतने अच्छे लगे कि इन्हें तो मैं ले ही आई। तो दोस्तों, हम जब शुरुआत करते हैं वहाँ से कि जब हम इनको नर्सरी से लेके आते हैं, तो लेके आने के बाद में उनके अंदर जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी की बजाय हम उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से गार्डन सॉइल और जो गोबर की खाद या आपके पास जो भी मैन्योर मिल जाए, कोई भी खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों से बनी हुई खाद, कोई भी तरह की खाद, सिंपल खाद चाहिए। इनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है, बस इन्हें अच्छी धूप, एक बार आप इन्हें अच्छी खाद दे दीजिए, एक महीने के लिए इनको खाद की आवश्यकता नहीं है। फिर 1-2 महीने बाद में आप इन्हें वापस खाद दे सकते हैं। अब होता क्या है कि हम एक्चुअली इनको लाके कहीं पे भी रख देते हैं, तो गार्डन के अंदर जहाँ बहुत तेज़ धूप आती है, तो सबसे तेज़ धूप वाली जगह पे इन्हें रखना है। पहला टिप कि 5 से 6 घंटे की इनको धूप चाहिए अच्छी खासी। उसके बाद में आप देखिए, आपको बताऊँ मैं, बस इतनी ही नमी रहनी चाहिए इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं देना और बिल्कुल वेल ड्रेन मैंने तो अभी दिया ही है आज, इस वजह से आपको थोड़ी ये मिट्टी गीली लग रही है, अदरवाइज बस ऐसी ही। ये देखिए इस तरह की, इतनी कि आप हाथ लगाएं तो वो अच्छी खासी गीली लगे आपको, और वैसे वो बहुत ज़्यादा गीली ना हो, बस इतनी ही रहनी चाहिए। और दूसरा टिप, खाद एक बार अच्छे से प्रॉपर दे दी तो बार बार इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा टिप ये है कि इसकी जितनी हम प्रूनिंग करेंगे, पिंचिंग करेंगे, उतने ही इसमें फ्लावर्स आएंगे। हम सोचते हैं क्या एक फूल है, खिलावा है, 1-2 दिन और खिला रहने दो, मुरझा गया तब तक भी उस पर पड़ा रहता, नहीं। वो इसकी एक्चुअली क्या होता है, पौधे की सारी एनर्जी वो वेस्ट कर देता है और वो खेंचता रहता है। और जितने आप इसकी, जैसे ये है, इसको आप एक तो यहीं से तोड़ दिया फूल को, इसकी पिंचिंग हमेशा यहाँ से करनी चाहिए जिस जगह से ये लगा हुआ है इसमें, ये इस तरीके से, तो ये आपने हटा दिया। इस तरह के फ्लावर्स को आप सबको हटा दीजिए। देखिए मैंने अभी बहुत सारे हटा के रखे हैं, ये तो ये हटा के आप रख दीजिए। जितने आप ये हटाएंगे, आपने मान लीजिए एक फूल में से हटाया तो इसमें से 5 और निकल जाएंगे, है ना, कितनी अच्छी बात। तो ये जितने आप सूख चुके या जो फूल इसके काम के नहीं है, उन फूलों को आप हटा दीजिए। अब बात आती है फोर्थ नंबर टिप, और फोर्थ नंबर टिप यह है कि पानी इसमें हमेशा 1 दिन छोड़ के 1 दिन दीजिए, और बहुत थोड़ा, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग से सर्दियों के सारे फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं। आप इनकी बहुत सुंदर बास्केट बना सकते हैं, कैसे भी इनको आराम से कहीं पे भी घर में लगा सकते हैं, किसी भी पॉट में ये सर्वाइव कर जाते हैं। पर सबसे अच्छा पॉट दोस्तों इसके लिए यही रहता है जो कि 7 इंची का है। 7 इंची पॉट जो हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। ये देखिए नर्सरी में भी इन्हीं पॉट में लगा के रखते हैं, और इसकी पूरी ये फैलते फैलते आप देखिए कितने फैल गए, और इनको आप जून तक, मई जून तक भी आराम से चला सकते हैं अगर आप इनकी थोड़ी सी अच्छी केयर करें। जैसे जैसे जो मैंने बताया, शॉर्ट में एक बार फिर से बता दूँ, इनकी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, खाद एक बार दे दी तो महीने भर की ज़रूरत नहीं है, फिर इसके बाद में आप इसे फिर से एक बार खाद दे सकते हैं। इसकी पिंचिंग या प्रूनिंग हमेशा करते रहें, जो फ्लावर्स खराब हो गए उनको आप यहाँ से हटा दीजिए। और तीसरी बात, पानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन देना है। और चौथी बात,
आप इनको अच्छे से बास्केट बना के अगर ग्रो करें तो ये खूब फैलेंगे। तो आप चाहें तो इनकी एक कटिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग लगा रखी है इसमें खूब सारी, इसमें भी पिटूनिया की कटिंग है, इसमें भी। तो ये सॉफ्ट होती है तो आप इनको कटिंग से भी उगा सकते हैं। यानी कि आप एक इसकी ले ली कटिंग, मैंने इसमें इसी तरीके से लगा रखी है, एक कटिंग इसकी, एक इस कलर की और एक इस कलर की, तो एक प्यारी सी बास्केट बन जाती है। और धूप, इन्हें पांचवी बात यह है कि इन्हें धूप पूरी मिलनी चाहिए बस। फिर आप देखिए आपके यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फ्लावरिंग्स पिटूनिया की होती है। तो आप आराम से इस सर्दी में ये पौधे ला सकते हैं। नहीं लेके आए हैं तो लेके आइए, और ले आए हैं तो उनकी अच्छे से केयर कीजिए। ओके, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छा हेल्दी खाइए, प्रकृति की गोद में, प्रकृति के पास रहिए, ताकि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आएं और इन फूलों की तरह ऐसे ही मुस्कुराइए और खिलखिलाते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय।